हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 62। एक्सरसाइज 62 में क्या है, आपको यहाँ पर 24 आवर क्लॉक टाइम या फिर 12 आवर क्लॉक टाइम में आपको ये जो भी टाइमिंग दी गई है इनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर कभी भी आप ट्रेन वगैरह से अगर आप ट्रैवल करते हो तो आप कभी भी ट्रेन वगैरह में 12 आवर क्लॉक टाइम के हिसाब से टाइम आपको नहीं देखने को मिलेगा। वो क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं 24 आवर क्लॉक टाइम, है ना। वो क्या यूज़ करते हैं, जो भी ट्रेन है या फिर प्लेन्स वगैरह हैं, जब भी अगर वो अपना चलने का यूज़ करते हैं, चलने की टाइमिंग, तो उनका 24 आवर क्लॉक टाइम है। जैसे अगर 7 PM हो रहा है तो वो 7 PM नहीं बोलेंगे, ना दिखाएंगे, वो क्या दिखाएंगे, 19 आवर्स दिखाएंगे। ओके, यहाँ पर भी आपको सेम वही काम करना है, 12 आवर क्लॉक टाइम को 24 आवर क्लॉक टाइम में और 24 आवर क्लॉक टाइम को 12 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करना है। इसे करने के लिए एक दो बातें ध्यान में रखिए। सबसे पहले 24 आवर क्लॉक टाइम में अपना टाइम कन्वर्ट करते समय ये ध्यान रखिएगा कि 4 डिजिट होना बिल्कुल ज़रूरी है। 4 डिजिट आप लिखेंगे ही 24 आवर क्लॉक टाइम में। ओके, 12 के साथ कभी भी AM या PM यूज़ नहीं किया जाता है, या तो आप नून लिखो या फिर मिडनाइट लिखो। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्या है कि 24 आवर क्लॉक टाइम अगर 12 से अबव जाने लगती है, जैसे कि 12 के बाद 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, 19 आ गया, अगर ऐसी डिजिट आती हैं तो इसका मतलब कि ये किसको डिनोट करने लगा है, आप PM को डिनोट करने लगा है। ओके, तो अब इसे आप कैसे 24 आवर क्लॉक टाइम को 12 आवर क्लॉक टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट है, देखिए 6:40 आवर्स, क्योंकि ये 6:40 जो है वो अभी 12 से कम में ही है, यानी कि ये AM को दिखा रहा है, तो 6:40 AM। ओके, मिनट वाले डिजिट से आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो भी मिनट में जो दिया है, 28 दिया है, 40 दिया है, 30 दिया है, सेम वही आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है 1:30, तो ये भी क्योंकि 1 जो है वो 12 से कम ही है, ये भी AM का ही बता रहा है, 1:30 AM। ओके, फिर है 0020 का क्या मतलब है यहाँ पे, कि ये रात के जो 12 बजे हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर आप, क्योंकि आपको पता है 12 बजे रात से लेके 12 बजे दोपहर तक जो होता है वो AM होता है, और 12 बजे दोपहर से लेके 12 बजे रात तक जो है वो क्या होता है, PM में चलता है। तो यहाँ पर जो 00 है वो 12 जो रात का है उसको दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0:20 AM। नेक्स्ट है 14:38, तो 14 जो है वो 12 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब आप अपनी फिंगर निकालो, 12 के बाद काउंट करो, 13, 14, कितनी फिंगर्स आई बाहर, 2, तो कितना बच गया, 2, और 38 मिनट वाले को वैसे ही रहने देंगे, और ये किस में हो गया, PM में हो गया। फिर है नेक्स्ट 16:24, तो 16:24 भी क्या है, आप अगर देखो तो 16 जो है वो 12 से ज़्यादा है। फिर आप अपनी फिंगर बाहर निकालना शुरू करो और देखो कितनी फिंगर्स आती हैं बाहर, 12 के बाद 13, 14, 15 एंड 16, कितने फिंगर्स आई बाहर, 4, यानी कि 4, 24 PM, शाम के 4:24 हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है 0000 आवर्स। अब 00 क्या था, हमने बताया आपको कि 12 के साथ कभी भी AM या PM नहीं लिखते हैं, ये रात के 12 बजे हैं, 12 बजे जो रात होती है उसको 40 के साथ डिनोट किया जाता है। ओके, और दोपहर वाला जो होता है वो 12:00 ऐसे डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 12 midnight, नॉट AM एंड PM। ओके, अब नेक्स्ट है, यहाँ पर दे रहा है 12 आवर क्लॉक टाइम और उसको कन्वर्ट करना है आपको 24 आवर क्लॉक टाइम में। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, 24 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करते टाइम आपको ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि 24 आवर क्लॉक टाइम में 4 डिजिट का ही यूज़ हमेशा करते हैं। ओके, यहाँ पर 4:05 AM हो रहा है, तो हम सेम वही लिखेंगे, बट 4 के आगे हम 4 डिजिट करने के लिए इसको क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे इसके आगे। AM में कोई बदलाव, कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, बस जब PM आना शुरू होगा तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज करना शुरू करेंगे। 11:32 AM है, इसलिए हम इसको वैसे ही 11:32 आवर्स। ओके, बीच में ये जो सेमी कॉलन दिया हुआ है इसे भी बनाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। 08 AM है, तो यहाँ पे 00:08 आवर्स। 12:15 PM है, तो यहाँ पर 12:15 आवर्स। नेक्स्ट है 2:18 PM, तो 12 के बाद 2 तक जाइए, 13:14।
क्या हो गया 14 18, आवर्स 10 पीएम है तो 12 के बाद 10 प्लस करिए कितना हो जाएगा 22 आवर्स। ओके, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो इज एन एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन एयरलाइन टाइम टेबल। ये किसी एयरलाइन टाइम टेबल को ही है जहां पर फ्लाइट्स है दिल्ली लखनऊ और पटना के लिए, ठीक है, और डिपार्चर टाइम है इन प्लेन्स का। दिस टाइम दिस टेबल शोज द डिपार्चर टाइम ऑफ द 3 प्लेन्स फ्रॉम दिल्ली एंड लखनऊ एंड अराइवल एट टाइम एट पटना। दिल्ली और लखनऊ से चलेंगी और अराइवल टाइम है उनकी पटना में, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और इसका आपको आंसर देना है किसमें, एएम या फिर पीएम में। ओके, इसे आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, व्हेन डज द प्लेन बी लीव, प्लेन बी कब निकली है, ठीक। व्हेन डज द प्लेन बी लीव, कब निकली है प्लेन बी, 12:10 आवर्स पे, 12:10 मतलब 12:10 एएम पे। व्हेन डज द प्लेन ए लीव लखनऊ, कब प्लेन ए ने लखनऊ छोड़ा है, 4:45 एएम हो जाएगा। व्हेन डज द प्लेन सी रीच पटना, तो 20 दिया हुआ है इसका मतलब कि 8 पीएम पे। ओके, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आप टेबल को देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में भी, और सेम उसी तरह से ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनको आप सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, तो इस तरह से आप 24 आवर क्लॉक टाइम और 12 आवर क्लॉक टाइम में इन टाइम को कन्वर्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।